हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिलीशियस फूड विद दीप्ति में, और मैं हूँ दीप्ति। तो आज की हमारी रेसिपी है कैरमल मिल्क पेड़ा। ये बहुत ही टेस्टी पेड़े बनकर तैयार होते हैं। इन पेड़ों में किसी तरह का कोई रंग यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने केसर डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखने में जितने खूबसूरत दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही डिलीशियस हैं। तो चलिए फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। कैरेमल मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले कैरेमल बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 150 ग्राम चीनी ली है। इसको हम धीमी आंच पर कैरेमल बनाएंगे। आंच को थोड़ा धीमा ही रखें, तेज़ रखेंगे तो चीनी जल्दी पिघलकर जलना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसे धीमी आंच पर ही धीरे धीरे भूरा होना शुरू होने दें। चीनी पूरी तरह पिघल गई है, हमें ऐसा ही रंग चाहिए था। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, ये फुल फैट मिल्क है। जब हम इसमें दूध को डालेंगे तो नीचे चीनी जम जाएगी, पर वो दूध के साथ अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगी। अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पर पकाएंगे। अगर आप इसे बीच बीच में जल्दी जल्दी चलाते हुए देख सकते हैं तो आप इसे मीडियम टू हाई हीट पर भी पका सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा बिजी हैं या कम देख सकते हैं तो इसको मीडियम टू लो हीट पर ही पकाएं, जिससे ये कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। दूध पकते पकते कढ़ाई के किनारों पर मलाई जम जाएगी, इसको आपको निकाल कर वापस से दूध में मिला देना है। इसी से बहुत ही बढ़िया खोया तैयार होगा। आप देख सकते हैं अब दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसका रंग भी गहरा होना शुरू हो गया है। इसको बीच बीच में आप चलाते रहें, वरना हो सकता है नीचे दूध लग जाए। आप देख सकते हैं दूध पकते पकते इतना गाढ़ा हो गया है कि वो खोया बन गया है, और रंग भी कितना सुंदर आ चुका है इसमें। अब इसे हम थोड़ा सा ही बस और पकाएंगे। ज़्यादा पकाने पर जब आप पेड़े बनाएंगे तो वो हार्ड बनेंगे, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा सूखा ना करें, इसको थोड़ा सा गीला ही छोड़ दें। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए गीला लग रहा है, पर जैसे ही ये थोड़ी देर हो जाएगी, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ये एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर मिला सकते हैं, पर इस कैरमल का फ्लेवर ही इतना अच्छा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी उसकी। अब इसे ठंडा होने देंगे। खोया पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पहले एक पोर्शन लेके इसका लड्डू बनाएंगे, और लड्डू बन जाने के बाद हम इसको पेड़े का शेप देंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी सुंदर दिखते हैं, पर हम आज पेड़े बना रहे हैं इसलिए हम इसे पेड़े का शेप देंगे। इसको पिस्ते से सजाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम भी लगा सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। लीजिए, तैयार हैं आपके कैरमल मिल्क पेड़ा। ये 2 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली बहुत ही इजी मिठाई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।